हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब वक्त है कोरोना सुरक्षा संदेश की आवाज के बारे में जानने का। आप जब भी किसी का फोन करते हैं तो आपको एक रिंगटोन सुनाई देती होगी। ये रिंगटोन किसकी आवाज में डब की गई है जो कोरोना के बारे में आपको सावधान करती है? ना चाहते हुए भी आपको इसे पूरा सुनना ही पड़ता है। यही है नमस्ते भारत। यहाँ खबरें हैं काम की, कहानियाँ कमाल की। क्या आपको पता है कि आवाज किसकी है? नहीं जानते ना? ये रिपोर्ट देखिए तब जानेंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है एबीपी न्यूज संवाददाता गरिमा, दूसरी तस्वीर थोड़ी धुंधली है। किसकी है जानने के लिए एक आवाज सुनिए। कोरोना वायरस या कोविड 19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी। ये आवाज है जसलीन भल्ला की। देश के 117 करोड़ फोन में बजने वाली इस आवाज को आपने भी सुना होगा। देश के करोड़ों लोगों को कोरोना से सावधान करने वाली आवाज के बारे में हर कोई जानना चाहता है। एबीपी न्यूज ने दर्शकों की इस उत्सुकता को समझा और इस आवाज के पीछे के चेहरे को खोज निकाला। फोन पर कोरोना से डर मिटाने वाली आवाज जसलीन भल्ला को सुनिए। अच्छा, तो ये बताओ, इतने दिन से जिन देवी की हम आवाज हर फोन कॉल से पहले सुन रहे हैं, वो देवी जी हैं कौन, कहां से हैं, क्या करती हैं, उनके बारे में बताओ पहले। तो मेरा नाम जसलीन भल्ला है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एंड इससे पहले मैं काफी देर तक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स चैनल्स में मैंने काम किया है, प्रोड्यूसर की तरह, रिपोर्टर की तरह। बट पिछले 10 साल से पूरी तरह आवाज की दुनिया और तो लिटरली ऐसे है कि... अच्छा, जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो आपको पहले बताया गया था कि ये फोन कॉल्स के पहले आएगा या फिर बस आपको बता दिया गया था कि आपको ये एक रिकॉर्ड करना है, ये कहीं पर यूज होगा? Like, were you very clear about it, कि ये कहा जाएगा? नहीं नहीं, तो क्या होता है कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो कई बार आपको उसका मैग्नीट्यूड या वो उसकी लेंथ या उसका एक्सपेंस कितना होगा, कि पैन इंडिया यूसेज होगा, आपको कई बार नहीं पता होता। ये कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, इट्स देयर ऑन एवरी फोन। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने बताया, लोगों ने आपसे पूछा कि आपने खुद की आवाज सुनी या नहीं, तो जब आप किसी को फोन करते हो और आपको खुद की ही आवाज सुनाई देती है तो कैसा लगता है? मतलब इरिटेशन होती है कि क्या यार, या फिर खुद को बस शट अप बोलने का मन होता है, या फिर अच्छा लगता है कि वाओ मेरी आवाज आ रही है उधर से? तो काफी कुछ मिक्स होता है। थोड़ा अजीब जरूर लगता है, मतलब आपकी आवाज आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो थोड़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगता है वो।